मिस्टर अकरम, आप कहते हैं मिस जीनत ने आत्महत्या की, एविडेंस भी यही कहते हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। आप इसे आत्महत्या बताते हैं, लेकिन किस बुनियाद पर? प्लीज इंस्पेक्टर, ये कोई भी बयान देने की पोजीशन में नहीं है। वैसे मिस जीनत का इनसे क्या संबंध है? वो उनकी बचपन की दोस्त थी और दूर की रिश्तेदार भी। ओह आई एम सॉरी, तब तो मैं इनकी मेंटल स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। फिर भी मुझे अपनी ड्यूटी तो निभानी ही है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही है। मिस्टर अकरम, क्या आपका उससे कभी किसी बात पर झगड़ा हुआ था? जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। मैंने आपसे नहीं पूछा। आप देख नहीं रहे इनकी क्या हालत है? आप इनसे सवाल फिर कभी कर लीजिएगा, इस वक्त नहीं। आजकल की टीन एज की लड़कियां बहुत जज्बाती हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर ऐसा बड़ा डिसीजन ले बैठती हैं। हाँ इंस्पेक्टर, जीनत ने मुझसे कहा था एक बार कि वो किसी लड़के से प्यार करती है, हो सकता है वो। आप उस लड़के को जानती हैं? जी नहीं सर, उस लड़के कमरे से लेटर मिला है। मिस जीनत के हैंड राइटिंग पहचानते हैं आप? जी हाँ। क्या ये उसी की हैंड राइटिंग है? जी। थैंक यू। क्या लिखा है इसमें? ये उसकी सुसाइड नोट है। इसमें लिखा है कि उसकी आत्महत्या की जिम्मेदार किसी को न ठहराया जाए, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इस लेटर के अलावा और कोई एविडेंस है? नहीं सर। ठीक है, तुम इन लोगों का बयान ले लो और साइन भी दे लो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। ओके। देखिए, पोस्टमार्टम के बाद लाश आप लोगों के हवाले कर दी जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि जीनत ऐसा कुछ कर बैठेगी, वो इतनी जज्बाती हो जाएगी, मैं नहीं जानती थी। जीनत को मैंने मारा है, मैं कातिल हूं उसका, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता मैं अपने आप को। आपने बताया नहीं, आपने जब अब्बू को खबर दी तो क्या जवाब था उनका? कुछ नहीं कह सके वो, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा होगा, और फिर उसके आगे कुछ कहने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अब्बू ने फूफी को तो बता ही दिया होगा अब तक, अल्लाह जाने क्या हाल हुआ होगा उनका, सब बातों में डूब गए। जीनत ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, काश कि वो औरों के बारे में भी सोचती। आपने भी तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है मुखिया। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अपने दिल से पूछ लीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। मैडम, आपके लिए लॉबी में प्रेस्टन जी का फोन है।
जानना चाहते थे ना कि मैं किसे चाहती हूँ, तो सुन लो, वो तुम हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, और अक्रम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अकरम, अकरम, ये सब क्या हुआ? अबू, ये सब कैसे हुआ? अकरम, अबू, मैं आपसे कैसे कहूं कि ये सब कुछ? अबू, फूफी जान को साथ नहीं लाए? जब से उन्होंने सुना है, उनमें तो जैसे जान ही नहीं रह गई। मैंने उन्हें लाना मुनासिब नहीं समझा, खुद चलाया। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है बेटे, कि जीनत ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी उसे? बताओ बेटे, क्या कमी थी? अबू, अकरम, अकरम, बेटे, मैंने कभी तुम्हें इस तरह से बिलखते हुए नहीं देखा है। मैं जानता हूं जीनत की मौत, उसकी खुदकुशी तुम्हारे वजूद को हिला दी। लेकिन बेटे, मुझे लगता है जीनत की मौत के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। तुम हौसला रखो और मुझे बताओ क्या बात है। तो बात यह है कि किसी ने रुक क्यों गए? बताओ क्या बात है। ना तो अकरम कुछ जानते हैं और ना मैं। हमें बस इतना पता है कि पिछले कुछ दिनों से जीनत जहनी तौर से बहुत परेशान थी। परेशान थी, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हो सकता है उसने अपनी परेशानी आपसे छुपा रखी हो। हो सकता है, पता नहीं वो बेचारी कौन सी ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। खैर, अल्लाह रहम करे। आजा। हैदर, समीर कहाँ चला गया? उसका ऑफिस का बैग तो उसके कमरे में है, कहाँ गया वो? वो तो सावन खेत गए हैं। सावन खेत? ये बात तुमने फैजान भैया गुलनार को तो नहीं बताई? उन्होंने पूछा ही नहीं, तो बताता कैसे? मेरी एक बात मानो, ये बात किसी से ना कहना, कोई पूछे तब भी नहीं। लेकिन बड़े मालिक और मालकिन पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा ही ना। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे? Excuse me? Yes. Mr. Akram अपने रूम में है? वो तो मुंबई गए हैं, आज ही उन्होंने चेकआउट किया है। अच्छा। Excuse me? उनके साथ जो यंग लेडी थी, उन्होंने सुसाइड किया है। क्या? उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया? उनकी वाइफ ने नहीं, पर उनके साथ जो दूसरी लेडी थी, उनका नाम, हाँ, जीनत। जीनत ने सुसाइड कर लिया? मगर क्यों? I'm sorry sir, इसके बारे में मैं और कुछ नहीं जानती। फूफी जान,
जीनत, जीनत सब्र कीजिए आप। जीनत इस घर के एक फर्द बन चुकी थी, उसके जाने का हम सबों को बड़ा रंज है। क्या मुंह दिखाऊंगी उसकी मां को? उसने जीनत को मेरे हवाले किया था, मेरे हवाले। आप जीनत की अम्मी को भी यहीं बुला लीजिए। हाँ आपा, और उन्हें जीनत के बारे में कुछ मत बताइएगा। जब वो यहां आ जाएंगी तो हम सब उनका गम एक साथ बांटेंगे। उन्हें यहां क्यों बुलाएं? जीनत को तो वहीं दफनाया जाएगा। नहीं आपा, जीनत को वहां उसके गांव में नहीं बल्कि हम यहां की मिट्टी में दफनाएंगे। बेचारी, फूल सा चेहरा था, अब मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों भेजा मैंने उसे तुम्हारे साथ? क्यों? अब होनी को कौन टाल सकता है? मगर ऐसा क्यों हुआ? वो तो बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने खुदकुशी क्यों की? बताओ अकरम, जवाब दो, बताओ। ओपी जान, अब मैं आपसे क्या कहूं? ओपी जान, तुम तो मुझसे कोई बात ही ना करो। मुझे तुम पर ही शक है। तुमने जरूर जीनत के साथ ऐसी कोई बात की होगी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर फूफी जान? लेकिन आपा, इसमें इसका क्या कसूर है? सारा कसूर इसी का है। जीनत हमेशा इसकी आंखों में खटकती थी। जब से जीनत ने इस घर में कदम रखा है, पता नहीं क्यों ये उसकी दुश्मन बनी बैठी थी, और अब तो उसकी जान की दुश्मन बन गई। आखिर ले ही ली ना तुमने उसकी जान। मैं पूछती हूं, क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा, बताओ। जीनत और मैं अच्छी दोस्त बन गई थी, और वहां भी हम अच्छी दोस्त की तरह ही रह रहे थे। मैंने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया है। पूछ लीजिए अकरम से। पूछना क्या है? मैं कोई आंधी या बहरी तो हूं नहीं कि जीनत की हालत नहीं देख सकती थी, या रो रो कर उसका अपने नसीब को कोसना नहीं सुन सकती थी। सरफराज, इसने जान ली है जीनत की, इसने।